महासमुंद में बीजेपी ने धान खरीदी की गलत नीति और किसानों से वादा खिलाफी के विरोध में धरना दिया। ये प्रदर्शन महासमुंद विधानसभा के झलप और बसना मंडल में किया गया। धरने में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार को धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर कोसा। धरने को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक विमल चोपड़ा, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप चंद्राकर ने संबोधित किया। धरने के बाद बीजेपी नेताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार बसना और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धान खरीदी का वादा निभाने, बारदानों की व्यवस्था करने, बकाया बोनस का भुगतान समेत कई मांगे की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी बसना विधानसभा द्वारा किसानों के हो रहे असुविधा, धान खरीदी हुए अनियमितता को लेकर के एक दिवसीय धरना था। धरना महामहिम राज्यपाल के नाम से माननीय तहसीलदार महोदय दे दी। किसान को ठग करके, किसान को झूठ को कह करके सरकार में आई। धान किसानों का धान खरीदना नहीं है, बारदाना का बहाना बनाना है। केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी बारदाना का खरीद नहीं होना, इस बात का द्योतक है कि वर्तमान में जो सरकार है वो किसानों का धान खरीदना।